Yes. Now let us see about. We have already discussed about electric dipole. Okay. And we have seen the two formulas. One along the axial line. Ye dhyan mein rakhna. One along axial line. और सेकेंड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, दो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके है ना, तो ये दोनों में आपका ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों का एक रिलेशन है, यहाँ एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम ऑन क्वेश्चंस को देखिए ठीक से। सिंपल क्वेश्चन है, टू चार्जेस द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस ईच ऑफ फाइव माइक्रोकुलम, ईच ऑफ फाइव माइक्रोकुलम वैल्यू दिया हुआ इसका। बोल रहे हैं बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन, क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे, अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड फोर सेंटीमीटर अपार्ट, फोर सेंटीमीटर अपार्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। कैलकुलेट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, कौन है कैलकुलेट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point calculate the electric field intensity at a point distant 4 centimeter distant 4 centimeter from the midpoint of the dipole, midpoint of the dipole, midpoint of the dipole on the axial line। देखो हाँ, on the axial line of the dipole। आप इस क्वेश्चन को हाँ हाउ टू सॉल्व दिस, ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है, हाँ आप इसको ध्यान रखो। First of all,
दिस वेरी क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल स्पेशली इन द केस ऑफ एक्सियल लाइन जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जाम। ठीक है, आप इसको चेकआउट करो, अंडरस्टैंड करो, लोकेट करो। ठीक है, आवाज जा रहा है, तुम लोग अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो एक्सियल लाइन में तुमने क्या पढ़ा था। तुमने पढ़ा था किसी एक पॉइंट पे चार्ज था माइनस, ठीक है, और किसी अदर पॉइंट पे चार्ज था, बी पॉइंट पे चार्ज मैंने ले लिया प्लस चार्ज, टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेज है। वो चार्ज क्या था, ये डायपोल का सेंस आ गया, ये क्या आ गया, डायपोल का सेंस आया, यही पढ़े थे ना। अब यहां पर देखो डायपोल का कोई मीड पॉइंट ले लो, और ये जो क्वेश्चन बोला है टू चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट इन अपोजिट इन साइन, बट इन अपोजिट इन साइंस, तो यहां पर रख लो -5 माइक्रोकूलम ए पॉइंट पर, और यहां पर रख लो +5 माइक्रोकूलम, तो आपको दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। फिर आप यहां देख लो माइक्रोकूलम को तुम क्या करोगे, कूलम में कन्वर्ट कर दो, -5 इंटू क्या करेंगे यहां पे, हाँ थोड़ा बोला करो, माइक्रोकूलम को, हाँ माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे सर, 10 टू द पावर -6। वेरी गुड, 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका यहाँ पर आधा काम हो गया। आप यहाँ भी 5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम रख लिए, आपका स्टैंडर्ड वैल्यू में कूलम आ गया। हाँ, दे आर प्लेस 4 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द डायपोल, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द डायपोल, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहोगे, तो 100 से डिवाइड करो या 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा डायपोल लेंथ आ गया। ठीक है, आपने रफली एक स्केच कर लिया, बट व्हाट इज योर क्वेश्चन, कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीट पॉइंट विद द डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ एक्सियल लाइन वी मस्ट ड्रॉ द लाइन, यस, इस तरह से ड्रॉ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड गोइंग अवे अलोंग एक्स एक्सिस। आप कहीं पर डिसाइड कर लो एनी वन पॉइंट एज ए पी पॉइंट, यहाँ पर पी पॉइंट लोकेट कर लो, ध्यान से कहीं पर पी रख दो। ठीक है, ये पी पॉइंट का लोकेशन पर केयर करो, दिस इज एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, 4 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आप रखो। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर जो लिख रहा है, तो ये ध्यान रखो कि 4 सेंटीमीटर जो दिया है वो 4 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, -2 मीटर, आर का लोकेशन, डायपोल भी 4 सेंटीमीटर है, मीट पॉइंट से पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म इज ऑल्सो गिवेन 4 सेंटीमीटर। तो आप कंपेयर करो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें आप फॉर्मूला कौन से लगाओगे। फॉर्मूला आप कौन से लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन का कौन सा फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन आपका फॉर्मूला कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन का फॉर्मूला को रिकॉल करो, ठीक है? उसमें आपने क्या लिखा था फॉर्मूला, याद है? वन अपन, यस सर, टू केपी अपॉन एक्स क्यूब, यस, वन अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, फिर 2 × P × R था लास्ट वाला, और क्या था, R² - L² था, क्योंकि मिड पॉइंट से हाफ ऑफ द लेंथ इधर और हाफ ऑफ द लेंथ इधर हो जाता था। तो आपका फॉर्मूला जो पढ़ाया हुआ था वो R² - L² का था। तो ये बात का केयर करें, R का वैल्यू आप यहाँ पर रखें कि R का वैल्यू आपने जो लाया था वो 4 × 10⁻²⁰ मीटर है, और L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू कितना है, तो 4 × 10⁻²⁰ के बाद क्या करोगे आप, हाफ ऑफ दी लेंथ ले आओगे तो L आ जाएगा, तो कितना आ रहा है, 2। ध्यान देना ये सब बच्चा बहुत लेट लेट आ रहा है कुछ लोग, हाँ, तो यहाँ पर 2 × 10⁻² कितना आ रहा है, -2 मीटर। तो आपका R का वैल्यू आ गया, आपका L का वैल्यू आ गया, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, E का वैल्यू में 1/4 πε₀, हम लोगों ने पहले जाना था, इसको चाहे हम स्टैंडर्ड वैल्यू 9 × 10⁻⁹ लिख दें। हाँ, 1/4 πε₀ को क्या पुट करते थे, 9 × 10⁹। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, 2 का वैल्यू है, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ द पी। पी कहाँ से लाओगे, पी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो आप डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप चैट पर लिख के बता सकते हो कौन होना चाहिए। पी वेक्टर का वैल्यू क्या होता था, Q into distance between the charges. हाँ, Q × 2L होता था। आप इससे यहाँ पर Q × 2L लिख के सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू, और R का वैल्यू जो था, ताकि आपका सॉल्यूशन आसान हो जाए, ठीक है? देन 9 × 10⁹ आ गया, थोड़ा हाथ बटाओ, अपने से सॉल्व करने की आदत डालो। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 5 μC ले लो, μC का वैल्यू कितना होता है, -6 में जाएगा, 2L आपका कितना था, 4 × 10⁻²² था, और R वैल्यू कितना था, R वैल्यू कितना था, 4 × 10⁻²² था। ये सारा वैल्यू को आप अपना मैनुअली सॉल्व करके देख लो कितना मिनट में बन रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करना है नहीं, कैलकुलेटर यूज अब नहीं करना है। आदित्य प्रकाश ने जो लिखा है Q × 2L, ठीक है, 2 Q L और Q × 2L, R is 4 × 10⁻², इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस L का वैल्यू कितना आएगा, 2 × 10⁻²। बहुत सारा आउटलाइन मैंने यहाँ कर दिया, हाँ, इसके बाद आप राउंडिंग करके चेकआउट करो कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है? थोड़ा सा मैनुअली वर्कआउट करके चेक करो, हाँ, नंबरिकल पार्ट में सॉल्व करने में। दिखाई पड़ रहा है, आर यू अवेल टू सी योर नोट डाउन, बताओगे?
ठीक है, क्वेश्चंस लिख लेने के बाद आप इस टेप को लिखिए, जहां पर दिक्कत होगा आप बताइएगा। सर यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला डायपोल का 2 KP/X³ नहीं यूज कर सकते हैं कहाँ पर? ये क्वेश्चन में सर? टू पी आर इसमें लिख के दिखाओ ना, तुम चैट पर लिखो तो क्या बोलना चाह रहे हो। इसको राउंडिंग करके सॉल्व करो तो कितना आ रहा है देख लो जल्दी। मैनुअली अगर इसको सॉल्व करेंगे, हाँ इस पेज का जो नोट करना है कर लो ध्यान से, इसको कॉमन लेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में। हाँ तो ये ध्यान रखना होगा कि हमने उस पेज में जो लिखा है वो कितना था एक्सेल लाइन का। तो फर्स्ट टर्म कितना था, 9 × 10⁻⁴ कितना था, 9, और क्या था, 2 था, माइक्रो कूलम था, ध्यान में है। उसके बाद क्या था, हाँ 2 KP, और क्या लिख रहे हो, 2 KP/X³। नहीं नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उसका जो वैल्यू है, सर 0.36 आ रहा है शायद से। यस आर वैल्यू जो है ना वो सर। डिसाइड नहीं करा रहा है कि वेरी स्मॉल डायपोल है। ओके इफ आर वैल्यू एंड लेंथ ऑफ द डायपोल में कंपैरिजन करने पर अगर थोड़ा सा भी नेगलेटेड लेंथ होता, वेरी स्मॉल डायपोल हो जाता तो वो फार्मूला लगता। ये सर। जानबूझ के क्वेश्चन में ना लेंथ ऑफ द डायपोल 4 सेंटीमीटर दिया है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर इज ऑल्सो गिवेन 4 सेंटीमीटर। तो बाई कंपेयरिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विद द डायपोल लेंथ, नो वन इज स्मॉलर एंड ग्रेटर। इन सच केस वी आर बाउंड टू पुट द वैल्यूज अंडर द जनरल फार्मूला ऑफ 2PR/R² - L² इसलिए यहाँ पर K का वैल्यू तो 9 × 10⁹ आ गया, और यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं 2 × 5 × 10⁻⁶, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, हाँ 16 हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा इस साइड में, और नीचे वाला को कॉमन ले लो। ठीक है, 4 × 4 जा कितना हो जाएगा, 16, और ये 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -4, ये 4 हो जाएगा, और ये 10⁻², दोनों पर है ना तो ध्यान रखना ये भी 4 हो जाएगा। तो कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन लेके जल्दी सॉल्व करेंगे। ये 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 9 इधर आ जाए, और 16 × 5 = 80 आ जाए, 2 उतर जाए, तो बचा क्या, 9 - 6, 10⁻⁹ है, 6 है, -4 है, यही सब है ना पावर। और 16 और 4 है अंदर में, 10⁻⁴ को कॉमन ले लो तो 16 - 4 क्या हो जाएगा, 16 - 4 जो आएगा लिख देंगे हम लोग, तो 9 8 0 2 कट करेंगे, हाँ ये कितना हो जाएगा, 3 - 4 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, केयरफुल रहो। और ये कितना जाएगा, ये 12 होगा, तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁴। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ये टर्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, लगभग आप काट सकते हो, इसको काट दो, 6 बार में कटा, 3 × 3 = 9 हो गया, तो 2 × 3 = 6 कट गया, और भी कुछ कट सकता है, 2 से ये 4 से कट जाएगा, आपके पास राउंडिंग मेच, हाँ ये आ गया 120 आया, 10⁻⁹ आया, और ये नीचे वाला 10⁻⁴ बन गया।
तो व्हाट इज द आंसर अप्रोक्सीमेटली? तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है देखिए ध्यान से, कितना आ रहा है लगभग 1 12 × 10⁻⁶ कितना आ रहा है? कहीं छूटे नहीं, चेकआउट कर लो, न्यूटन पर कूलम पूरा वैल्यू आ रहा है। हाँ सर, 12 × 10⁴ आएगा। हाँ तो एल स्क्वायर माइनस जो फार्मूला था उसका होल स्क्वायर था ना जी, फार्मूला में जाओ वापस, कहीं पर मिस्टेक ना हो, फार्मूला में जाओ। फार्मूला कहाँ लिखे हो? जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा है वो फार्मूला को ध्यान देना, एल स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट ये होगा होल स्क्वायर, फार्मूला ध्यान में रहे। हाँ फार्मूला पूरा का होल स्क्वायर दे रहा है, तब तो यहाँ होल स्क्वायर होगा, इस टर्म का होल स्क्वायर होगा, तो आंसर और छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये 16 − 4 का होल स्क्वायर होगा और इसका भी होल स्क्वायर आएगा, तो आपके पास ये 8 बन जाएगा, 2 से ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। हाँ और करेक्शन कर लो सॉल्यूशन को, नीचे का 12 का होल स्क्वायर जाएगा, तो एक और 12 रहेगा बचा हुआ। ठीक है, और 10⁻⁸ ये 8 आ जाएगा, ये जो ऊपर 4 बन के गया ना, तो वो 2 से 8 बन के रहेगा, और एक 12 नीचे रहेगा, तो ये इससे कट हो जाएगा और ये 2 × 4⁴ में जाएगा, तो आपके पास आ जा रहा है 10⁸। अब सॉल्यूशन यहाँ पर यही आंसर है। ठीक है, तो इलेक्ट ये जो मैनुअल वर्क है यहाँ पर कहीं पर छूटना नहीं चाहिए, मैनुअल वर्क जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेटर से नहीं करना है, तो 2 3 4 जो भी मिनट लग जाएगा वो आपको करना है। तो एक आइडिया मिल गया कि मैनुअली हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहे सॉल्व करते समय। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आइए, इसको ध्यान में रखिए, दिस इज योर आंसर। एक ध्यान में रखना, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉरी बोल रहा है, हाँ ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। बोला 2 charges, कंडीशन दिया हुआ है 2 charges, वन इज प्लस अदर इज माइनस 10 μC आर प्लेस्ड प्लेस जो किया है माइक्रोकूलम में दिया वैल्यू, ध्यान रखना सब क्वेश्चन का नेचर लगभग, अगर वो टॉपिक सिमिलर होगा तो आप बना सकते हो। 2 charges दिया हुआ प्लस एंड माइनस 10 μC आर प्लेस्ड कितना 5 × 10⁻³ - 3 m, 5 × 10⁻³ - 3 m अपार्ट दिया हुआ, चार्ज का सिचुएशन दिया हुआ, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आ गया डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है, कहाँ पर लाना है, एट ए पॉइंट, कोई खास पॉइंट का नाम लिया है, वो पॉइंट को क्यू बोला है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। हाँ एट ए पॉइंट क्यू, और वो भी कितना 0.15 m अवे दूर फ्रॉम ऑरिजिन,
फ्रॉम ओ, कहीं पर ओ पॉइंट का नाम लिया है, कहाँ लिया है, ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन पासिंग, क्वेश्चन समझना है खाली, कैसे बनेगा पासिंग थ्रू ओ, पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। हाँ, कुछ सपना ये जो बात बोला, इस बात से आप पहले लोकेट करा लो। लोकेट कैसे कराओगे? टू चार्ज दिया, तो टू चार्ज जब दिया तो टू चार्ज में, हाँ, डायग्राम बनाने के लिए स्पेस बना लो, ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए स्पेस बना लो, क्वेश्चन को क्लियर करना, नेक्स्ट पेज में डायग्राम बन जाएगा। हाँ, टू चार्जेज है तो आप टू चार्ज कहीं पर लोकेट करा लो। हाँ, ए पॉइंट अपने मन से मान लो जैसे पढ़ाई किए हो, और बी वी पॉइंट लोकेट कर लो। जब जब डायपोल की बात करेगा तो डायग्राम में ये सब ध्यान देंगे। अब क्या क्या दिया हुआ है? टू चार्जेज हैं, एक है प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम बोला है। अगर मैंने माइनस 10 माइक्रो कूलम इस साइड में रख लिया तो मैं प्लस 10 माइक्रो कूलम राइट साइड में बी पॉइंट पर रखूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने टू चार्जेस को प्लेस कर दिया, लेकिन ये बोला दे आर प्लेस्ड 5 × 10⁻³ meters। तो प्लेस जो किया जा रहा है वो कितना डिस्टेंस पे किया जा रहा है ये दिया हुआ। तो आप क्या करो, तो दे आर प्लेस्ड एट व्हाट डिस्टेंस, तो जो हमारा पढ़ाई का 12 होता था क्या वही दिया हुआ है? ये अपना क्वेश्चन में पढ़ के समझो कि क्या ये वही दिया हुआ है, टू चार्जेस का सेपरेशन के बराबर प्लेस किया हुआ है कि नहीं। बोल रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट क्यू व्हिच इज 0.15 meter अवे फ्रॉम द ओ ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू द ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ये जो वर्ड बोला नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ये जो वर्ड बोला यहीं से आपको पकड़ना है कि कहाँ ले जा रहा है क्वेश्चन। आप कहीं पर पॉइंट को डिसाइड कर लो, ठीक है, वो पॉइंट को मैंने बीच में डिसाइड कर लिया। जो स्पेशल लाइन का बारे में बोला वो यहाँ पर ओ से होके गुजर रहा है, ये वाला लाइन, आप इसको अपने मन से बाई एक्सिस मान लो, क्योंकि एक्सियल लाइन एक्सिस ऑफ द डायपोल तो ए भी हो गया, इधर डायपोल मोमेंट जाता है ये सब चलेगा, लेकिन ये जो लाइन गया ये लाइन पासिंग को विशेष नाम हम लोग इक्वेटोरियल लाइन दिए हैं। हाँ, इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है क्योंकि नॉर्मल टू द एक्सिस होता है। खैर, आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द फील्ड एट द पॉइंट क्यू, कहीं पर पॉइंट क्यू सोच लिया, कहीं पर सोच लो, यहाँ पर क्यू पॉइंट नाम दे दो, क्यू इज नॉट द चार्ज, क्यू द नेम ऑफ द पॉइंट। तो आपने जो पढ़ा था कि नीचे से ऊपर की ओर जिस पॉइंट पर मैंने जो पी बोला था, ये क्वेश्चन ने क्यू बोल रखा है। अब ये कितना डिस्टेंस पर दिया हुआ है? 0.15 meter दिया हुआ है, अवे फ्रॉम ओ से अवे है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर फील्ड कितना बनेगा ये आपको लाना। तो कौन सा सिचुएशन आ गया और कैसे आप बनाएंगे और कौन सा फॉर्मूला से बनाएंगे? ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कंपेयर करो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई क्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। हाँ,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आपने यहाँ पर का ध्यान रखा, तो आप जो भी पढ़े हो इसको आप थ्योरी में तो प्रूफ करना नहीं, आप बहुत होगा तो इससे आप ज्वाइन करके एजम्पशन ले सकते हो, लेकिन उतना सिर्फ आप इसको लोकेट कर लो कि दोनों चार्ज का कंसीडरेशन से ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड किधर जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज वाला फील्ड तो दूर भागेगा, निगेटिव चार्ज वाला फील्ड किधर भागेगा, ऐसे जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट फील्ड किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो आप गौर करो, आप आज ही पढ़े हो इसके बारे में कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है वो कैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप जो फार्मूला पढ़े हो हाँ, फिर कंपेयर कर लो, वेयर इज द 2L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2L। 2L अगर 5 × 10⁻³ मीटर है तो कितना जाएगा, 5/1000 हो जाएगा। तो कितना डेसिमल में जाएगा, 0.005 हो जाएगा ना, तो वेरी वेरी स्मॉल हो गया। ये लेंथ ऑफ द डायपोल इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द आर। तो आप गौर करो, इन कंपेरिजन टू 1515 विच इज आर, तो विच वन इज ग्रेटर, यहीं से पकड़ा जाएगा बात। आपका यहाँ पर जो 0.5 मीटर दिया है, यहाँ 0.05 मीटर मिला हुआ है डायपोल का, तो यहाँ पर केसेस कौन से आ गए, आपका पूरा का पूरा लेंथ ऑफ द डायपोल मच मोर लेस देन द वैल्यू ऑफ द आर आर। तो आप रिकॉल कर लो कि आपने जो पढ़ा है वो डायपोल का फार्मूला में ये कंडीशन जहाँ मिलता है, तो आपने वहाँ क्या किया था, एल स्क्वायर मच मोर लेस देन आर स्क्वायर किया था, तो एल इज नेगलेटेड। तो आपके पास जो फार्मूला हुआ था उसको ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला आप यूज करो। तो आप यूज करोगे वेरी शॉर्ट डायपोल वाला, तो शॉर्ट डायपोल का केस में इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड निकालोगे। तो फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन क्या हम लोग पढ़े थे, वो फार्मूला को ध्यान रखो, हाँ उस फार्मूला के अनुसार ही बनेगा। आप अपनी कॉपी ओपन रखो जहाँ पर पढ़ाई किया गया था, और ये जो फार्मूला आया था 1/4π ε0, और क्या आया था फार्मूला याद है, कौन सी फार्मूला आया था, लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल हो गया ना, तो आपके पास इक्वेटोरियल लाइन का जो फार्मूला था वो क्या था, p/r²-l², तो एल स्क्वायर नेगलेटेड होगा तो r² का होल स्क्वायर r4, तो r पर पावर कितना जाएगा, 3 जाएगा, ध्यान देना इस बात का, केयर करना कि यहाँ पर जो आपने लिखा ये फार्मूला का डिसीजन सही है कि गलत है, ये अगर आप नहीं कर पाए क्वेश्चन पढ़कर या ऑब्जर्वेशन करके कि आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो डायपोल है वो क्या है, आप इसमें जैसे ही फार्मूला भरोगे आंसर आ जाएगा। 9 × 10⁹ भरो, चार्ज का वैल्यू 10 भरो, 10⁻⁶ भरो, और लेंथ ऑफ द डायपोल को 5 × 10⁻³ भरो।